हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। मेरी गुजारिश है कि अब इसके बाद जनाब हंजला उस्मानी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। 3 मिनट का आपके पास वक्त है, प्लीज हंजला भाई। डाइस पर बैठे लोकसभा के सांसद जनाब तारिक अनवर साहब, लखनऊ से हमारे बहुत ही अजीज भाई जनाब तारिक सिद्दीकी साहब, महमूद प्राचा साहब, हमारी बहन इशरत जहां और हमारे भाई जो अभी यहां पर बोल के गए बीएमसी के कॉरपोरेटर सुफियान भाई, और हमारे सामने बैठे तमाम हमारे नौजवान साथी, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग। सबसे पहले अहमद भाई और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद कि आपने इस ख़राब दौर में ऐसी बातचीत करने की हिम्मत की और इतने लोग यहाँ पर जमा किए। जब इस दौर में ऐसी बातचीत होती है और इतने लोग जमा होते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, आज भी हिंदुस्तान में फ़िक्रमंद, इस ख़राब दौर को लेकर फ़िक्रमंद लोग हैं। इस बात के लिए आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत यकीनन बहुत ज़रूरी है और बहुत फिक्र करने वाली बात है। हम सब बहुत आसानी से आरएसएस और भाजपा के कारनामों को बताते हैं। आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो माहौल हिंदुस्तान में बना रखा है उसको लेकर हम सब बात करते हैं, लेकिन हम सब ये बात नहीं करते हैं कि ये माहौल बना कैसे। आज़ादी की लड़ाई के से पहले आरएसएस का जन्म हुआ और आरएसएस तब से, आज़ादी की जंग में भी आरएसएस ने नफ़रत का काम किया, उसके ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग के ख़िलाफ़ काम किया, अंग्रेज़ों के पक्ष में काम किया, और आज़ादी के बाद लगातार आरएसएस हिंदुस्तान में जहर के बीज बो रहा था। लेकिन मैं माफ़ी के साथ तारिक भाई ये कहना चाहता हूँ कि जब आरएसएस नफ़रत के बीज बो रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमने विचारों पर कभी काम नहीं किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमने विचारों पर कभी मेहनत नहीं की। हमने जाकर हमारी जो सेकुलर पार्टियां रहीं, हमने जाकर लोगों को ये बताया नहीं कि पंडित नेहरू के विचार क्या थे, महात्मा गांधी के विचार क्या थे, मौलाना आज़ाद के विचार क्या थे। हम एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन के रह गए, टिकट बांटने की मशीन बन के रह गए, चुनाव लड़ने की मशीन बन के रह गए, सरकार में रहने की एक मशीन बन के रह गए। हमने विचारों पर कभी काम नहीं किया और दूसरी तरफ आरएसएस अपने विचारों पर ईमानदारी से, नफरत की खेती ईमानदारी से करता रहा और हम खामोश अपने पावर को देखते रहे, अपनी ताकत को देखते रहे। हमें उनसे तवक्को कब थी, हमें उनसे कब उम्मीद थी आरएसएस से कि वो इस देश में मोहब्बत का काम करेंगे, इस देश में भाईचारे का काम करेंगे, इस देश में अमन का काम करेंगे। हमें उनसे इस देश में नफरत की उम्मीद थी। हमें उम्मीद तो खुद से थी कि हम इस देश में नेहरू की, गांधी की, मौलाना आज़ाद की विचारधारा को बताएंगे। हम ये बताएंगे कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन पे जामिया मिल्लिया में हमला हुआ था तो पंडित नेहरू अपनी गाड़ी खुद चलाकर पहुंच गए थे और महात्मा गांधी ने यह कहा था, मैं इस देश की कल्पना नहीं करना चाहता, मैं ऐसा देश नहीं बनाना चाहता, मैंने ऐसे आज़ादी की कल्पना नहीं की थी जहां मैं सर उठा के चल सकता हूं, जवाहरलाल नेहरू सर उठा के चल सकते हैं लेकिन जाकिर हुसैन सर उठा के नहीं चल सकते। मैंने ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की है, मैंने ऐसे आज़ादी की कल्पना नहीं की थी। हम ये बताने में चूक गए। तो एक शुरुआत ख़राब दौर में ही एक शुरुआत हुई है, लेकिन हमारी पार्टियों को, हमारी सेकुलर पार्टियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम ये बताएं, उनके भ्रामक प्रचार के खिलाफ हम भी एक प्रचार ऐसा करें कि महात्मा गांधी की विचारधारा और पंडित नेहरू की विचारधारा को हम भी घर घर ले जाके फैलाएं। वक्त बहुत कम है और सारे वक्ता हैं जो बोलेंगे। अहमद भाई का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने
ऐसी खूबसूरत महफिल सजाई, और जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।